गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इज सबट्रैक्टिंग टू डिजिट नंबर आज क्लास फर्स्ट में मैथ्स में यूनिट 4 में पढ़ने वाले हैं सबट्रैक्टिंग टू डिजिट नंबर्स। आज हम माइनस करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे टू डिजिट नंबर्स में। स्टार्ट करते हैं, ऊपर दिया है टेंस वंस, वंस में दिया हुआ है 6 माइनस 4, हमें 6 में से 4 माइनस करके यहाँ लिखना है और 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हम 3 को ऐसा कैसा लिखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, हम जब भी प्लस या माइनस स्टार्ट करते हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, जब भी हम प्लस माइनस करेंगे तो हम पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम 6 में से 4 माइनस करना है हमें, तो हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, लिखा हुआ नंबर 4, इसमें से 4 नंबर क्रॉस कर देते हैं, 1 2 3 4, कितना बचा नंबर 2 1 2। हमने 6 लाइन ड्रॉ की, उसमें से 4 लाइन को हमने क्रॉस कर दिया, जो लाइन क्रॉस नहीं हुई वो कितनी थी, 1 2, आंसर आया हमारा 2, 6 में से 4 माइनस किया तो आंसर हमारा आया 2। अब यहाँ पर दिया हुआ है टेंस में 3 के नीचे कोई डिजिट है क्या, नो, तो हम 3 को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं नंबर 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिया है नंबर 4, लाइन ड्रॉ करेंगे 4 1 2 3 4, नीचे नंबर दिया है 2, इस 4 लाइन में से हमें 2 लाइन को क्रॉस करना है, 1 2 2 लाइन हमने क्रॉस कर दी तो कितनी बची, 1 2 2 लाइन जो थी जो क्रॉस नहीं हुई वो कितनी थी, 1 2, 4 में से 2 गया तो आंसर आया 2। जैसे स्टूडेंट्स हमारी फिंगर्स हैं 4 में से हमने 2 को डाउन कर दिया, कितनी बची 2, तो आंसर आया 2। ओके, नेक्स्ट इस तरफ देखते हैं 8 में के नीचे कोई डिजिट है क्या, नो, तो हम 8 को ऐसा कैसा लिख देते हैं, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 8 के नीचे कोई डिजिट नहीं थी तो हमने इसको ऐसा कैसा लिख दिया। ओके, ये सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर दिया है वंस में 6 में से 3 हमें माइनस करना है, 6 लाइन हम ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, नंबर दिया है 3 लाइन को हम क्रॉस करेंगे, 1 2 3, कितना बचा, जो लाइन क्रॉस नहीं हुई कितनी है, 1 2 3, आंसर आया 3, 6 में से 3 रह गया कितना बचा 3। इस तरफ लिखा हुआ है टेंस में 2 नंबर लिखा है, 2 के नीचे कोई और डिजिट है क्या, नो, तो हम 2 को ऐसा कैसा लिख देते हैं, 6 में से 3 गया तो 3 बचे, 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं थी तो हमने 2 को ऐसा कैसा लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, वंस में कौन नंबर दिया है 9 में से हमें 2 माइनस करना, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर दिया है 2, हमें 2 इसमें से माइनस करना है, मतलब हम इसमें से 2 लाइन क्रॉस करेंगे, 1 2, कितनी बची जो क्रॉस नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7, लिख दिया नंबर 7, 9 में से 2 गया तो आंसर आया 7, 9 में से 2 माइनस किए तो कितना आया 7, और 5 इस तरफ दिया है 5 के नीचे कोई डिजिट है क्या, नो, तो हम 5 को ऐसा कैसा लिख देते हैं, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 5 को हमने ऐसा कैसा लिख दिया। आ रहा है समझ में बच्चों आपको, अब इसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट, फिर दिया है नीचे 5, वंस में क्या दिया है 5 में से दिया है 3 माइनस करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नीचे दिए हुए हैं वंस में क्या दिया है 5 में से हमें 3 माइनस करना है और टेंस में दिया है 4 में से हमें 2 माइनस करना है। पहले हम 5 में से 3 माइनस करेंगे, हम हमेशा पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो हम 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, नंबर दिया है 3, हम इसमें से 3 लाइन क्रॉस कर देते हैं, 1 2 3, कितना बचा जो लाइन क्रॉस नहीं हुई, 1 2, आंसर आया 2, 5 में से 3 गए तो आंसर आया 2। अब इस तरफ दिए हैं नंबर 4, हम लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, देखो बच्चों अभी हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन दिए थे उन्हें सॉल्व कर रहे थे, तब टेंस में नीचे की तरफ कोई भी डिजिट नहीं थी तो हमने उस नंबर को ऐसा कैसा लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर डिजिट है तो हम उसमें से इसको माइनस करेंगे। नंबर दिया है 4, लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 4, नीचे नंबर दिया है 2, इसमें से 4 में से हमें 2 माइनस करना है, तो 4 लाइन जो खींची है
उसमें से हम टू लाइन क्रॉस कर देते हैं, वन टू। जो लाइन क्रॉस नहीं हुई वो कितनी है, वन टू। आंसर आया टू। फोर में से टू गया तो आंसर आया टू, फाइव में से थ्री गया तो आंसर आया टू। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नंबर दिया है थ्री, लाइन ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री। नंबर दिया है वन, वन लाइन क्रॉस कर देते हैं। जो लाइन क्रॉस नहीं हुई वो कितनी है, वन टू। आंसर आया टू, थ्री प्लस वन गया तो आंसर आया टू। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नंबर दिया है सिक्स, सिक्स लाइन ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नंबर दिया है फोर, सिक्स में से फोर माइनस करना है, फोर क्रॉस कर देते हैं लाइन, वन टू थ्री फोर। आंसर आया टू, कितनी लाइन बची, वन टू, हमने आंसर लिख दिया टू। थ्री में से वन गया टू, सिक्स में से फोर गया, आंसर आया टू। ओके नेक्स्ट वन दिया है, वन वन के नीचे भी वन दिया हुआ है, वन में से वन गया तो कितना बचा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वन रुपीज है और आपने वो वन रुपीज की ट्रॉफी ले ली तो आपके पास कितने पैसे बचे, कुछ भी नहीं, जीरो। तो आंसर आया जीरो, वन में से वन गया तो आंसर आया जीरो। नंबर दिया है फाइव, टेंस की तरफ दिया नंबर फाइव, फाइव में से हमें टू माइनस करना है, लाइन ड्रॉ करेंगे फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, टू माइनस करना है, टू लाइन क्रॉस करेंगे, वन टू, कितना आंसर आया, फाइव लाइन ड्रॉ की, उसमें से हमने टू माइनस कर दिया, टू लाइन क्रॉस कर दी, जो लाइन क्रॉस नहीं हुई कितनी है, वन टू थ्री, आंसर आया थ्री, फाइव में से टू गया तो आंसर आया थ्री। ओके बच्चों आ रहा है समझ आपको, और देखते हैं, नंबर दिया है थ्री, वन टू थ्री, हमने लाइन ड्रॉ कर ली थ्री, फिर नंबर नीचे दिया है टू, थ्री में से टू माइनस करना है तो हमने इसमें से टू लाइन क्रॉस कर दी, जो लाइन क्रॉस नहीं हुई कितनी है, वन, दिया हमने वन, थ्री में से टू गया तो आंसर आया वन। फिर दिया है नंबर सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नंबर दिया है फाइव, सिक्स में से हमें फाइव माइनस करना है तो हम सिक्स में से जो लाइन ड्रॉ की है उसमें से फाइव लाइन क्रॉस कर देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कितना बचा, वन। जो लाइन क्रॉस नहीं हुई कितनी थी, वन, हमने लिख दिया वन, सिक्स में से फाइव गया तो आंसर आया वन, थ्री में से टू गया तो आंसर आया वन। ओके स्टूडेंट्स आ रहा है समझ आपको, हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग टू डिजिट नंबर वाले सब्ट्रैक्ट किए। स्टूडेंट जब हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम इरेजर से अपने कॉपी में साफ कर सकते हैं जिससे हमारी कॉपी क्लीन रहेगी। ओके इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग बैकवर्ड। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, हमें इसमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो आंसर आएगा उस फिर हम उसकी बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। हमें पहले 18 में से 4 माइनस करना है, 18 में से 4 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 8 में से 4 माइनस करेंगे, हम 8 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से हमें 4 माइनस करना है, 4 लाइन क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4, कितना बचा, 1 2 3 4, जो लाइन क्रॉस नहीं हुई तो हमने उनको काउंट किया तो आया 4, हम लिख देते हैं 4 और 1 का 1 तो आंसर आया 14। हम इसको रफ कर देंगे, आप अपनी कॉपी में इधर से रफ करना बच्चों, 18 में से 4 गए तो आंसर आया 14। अब हमें 18 की बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, मींस उल्टी, 18 से पहले 17 16 15 14, लास्ट में क्या आया 14, और 14 ही हमारा आंसर था। ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 39 में से 4 माइनस करना है, 39 में से 4 माइनस करने के लिए हम पहले 9 में से 4 को माइनस कर देते हैं, 9 में 4 माइनस करने के लिए हम 9 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 4 लाइन माइनस कर देते हैं, 1 2 3 4 कितनी बची, 1 2 3 4 5 लिख दिए, 5, 9 में से 4 गया 5 और 3 का 3, आंसर आया 35, 39 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 35। अब हम करते हैं 39 की बैकवर्ड काउंटिंग, 39 से पहले 38 37 36 35, आंसर आ गया हमारा 35। ठीक है फिर नेक्स्ट देखते हैं, 47 में से हमें 5 माइनस करना है, 47 में से 5 माइनस करने के लिए हमें पहले 7 में से 5 माइनस करते हैं, 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हमें 5 माइनस करना है तो 5 लाइन क्रॉस कर देते हैं, 1 2 3 4 5, जो क्रॉस नहीं हुई वो कितनी है, 1 2, लिख देते हैं 2। अब हम 4 को ऐसा वैसा लिख देते हैं, 47 में से 5 माइनस किया तो आंसर आया 42। अब हम 47 की बैकवर्ड
47 की बैकवर्ड काउंटिंग हुई 46, 47 से पहले 46, 45, 44, 43, 42 हमने लिख दिया आंसर आया हमारा 42। हमें 47 में से 5 माइनस किया तो 42 आया, 47 की हमने 5 बार बैकवर्ड काउंटिंग करी। देखो हमें 18 में से 4 माइनस किया तो 14 आया, तो हमने 18 की बैकवर्ड काउंटिंग 4 बार करी थी। 39 में से 4 माइनस किया तो आंसर आया था 35, तो हमने 39 की बैकवर्ड काउंटिंग 4 बार लिखी थी। 47 में से 5 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 42, तो हमने 47 की बैकवर्ड काउंटिंग 5 बार लिखी। अब हम 56 में से 5 माइनस करेंगे तो और उसकी बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। पहले हम 56 में से 5 माइनस करने के लिए हमें 6 में से पहले 5 माइनस करना रहेगा, तो हम 6 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमें 5 माइनस करना है। 1 2 3 4 5 5 लाइन क्रॉस कर दी, कितनी बची? 1 क्योंकि हमने 1। अब हम लिखेंगे 5 का 5, 51 आंसर आया हमारा 51। 56 में से 5 माइनस किया तो आंसर आया हमारा 51। अब हम 56 की बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे, कितनी बार? 5 बार बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। 56 से पहले क्या आता है? 55, 54, 53, 52, 51 आंसर आया हमारा 51। 56 में से 5 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 51। हमने 56 की बैकवर्ड काउंटिंग 5 बार लिखी। अब हम करते हैं 68 में से 6 को माइनस। 68 में से 6 माइनस करने के लिए हमें पहले 8 में से 6 माइनस करेंगे। 8 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास नंबर है 6, 6 माइनस करना है तो 6 लाइन क्रॉस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 जो लाइन क्रॉस नहीं हुई वो कितनी है? 1 2 लिखी हमने 2। 6 को हम ऐसा कैसे लिख देते हैं? 68 में से 6 माइनस किया तो कितना आया? 62। अब हम 68 की बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे, कितनी बार? 6 बार। 68 से पहले आता है 67, 66, 65, 64, 63, 62 आंसर आया हमारा 62। 68 में से 6 माइनस किया तो आंसर आया हमारा 62। आया समझ बच्चों? हमने क्या किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने उसकी बैकवर्ड काउंटिंग लिखी। जितनी बार दी हुई है, जैसे इसमें 4 बार दिए तो 4 बार लिखी, इसमें 4 बार, इसमें 5 बार, इसमें 5 बार, इसमें 6 बार। ओके बच्चों, आया समझ आपको? अब आपको क्या करना है, अपनी मैथ्स की CW कॉपी में सब्ट्रैक्ट टू डिजिट नंबर एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग को कंप्लीट करना है गुड हैंड राइटिंग में, एंड इनकी अच्छे से घर पर प्रैक्टिस भी करनी है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।